हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, रिसेंटली मैं अभी दुबई गया था टू अटेंड ग्लोबल डेव स्लैम और स्पेसिफिकली उसमें पाइकॉन मिडिल ईस्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें अपना पूरा एक्सपीरियंस एंड टू एंड शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मुझे इनवाइट आया टू अटेंड पाइकॉन एमईए एज अ स्पीकर, राइट, और कैसा रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरे इवेंट पे। ये बाकी सारी मेरी कॉन्फ्रेंसेज जो भी मैंने अब तक अटेंड करी हैं उससे थोड़ा डिफरेंट इवेंट था, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट शेयर द होल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, इट विल हेल्प अस एंड मोटिवेट अस अ लॉट। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना ताकि तुम्हें मेरा पूरा एक्सपीरियंस पता लगे, इसे तुम्हें भी आइडिया लगेगा दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दीस काइंड ऑफ इवेंट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले यार, इस कॉन्फ्रेंस में सबसे डिफरेंट चीज जो थी ना वो ये थी कि इस बारी एज अ स्पीकर मैंने कहीं अप्लाई नहीं करा था, राइट। मैं ऑलरेडी पाइकॉन में जा चुका हूं, मैं लास्ट ईयर पाइकॉन इटली गया था, उस टाइम पे मैंने वहां पे एज अ स्पीकर टॉक दी थी। इट वाज अ 30-40 मिनट टॉक जो मैंने तब दी थी। इस बारी बिकॉज आई वाज ऑलरेडी हैविंग टू पाइकॉन इवेंट्स, मैंने यूरो पाइथन में भी एज अ स्पीकर अटेंड किया था। इट वॉज ऑफलाइन इन्विटेशन फॉर मी, बट मैंने उसको एज एन ऑनलाइन स्पीकर ही अटेंड किया था, मैंने ऑनलाइन ही दी थी अपनी टॉक। तो ऑलरेडी बिकॉज आई वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पाइकॉन कम्युनिटी, सो पाइकॉन मिडिल ईस्ट के जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने मुझे खुद से रीच आउट करा दैट दे वांट टू सेट अप अ टॉक एट पाइकॉन एमईए एंड दे वांट टू इनवाइट मी एज अ स्पीकर। तो ये मेरे लिए सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा कि यार, मतलब मेरे पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मेरे पुराने टॉक्स के बेसिस पे मुझे आगे की टॉक्स के लिए खुद से इन्विटेशन आना स्टार्ट हो गया था। तो ये चीज एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था, और मैं भी ये चाहता था कि ऐसा ना हो कि मतलब जिस जो टॉक्स मैंने पहले दिए हैं उसी के बेसिस मुझे आगे का सिलेक्शन आ रहा है। सो आई शुड ओनली डू दैट मच कि यार मुझे जितना कहा जा रहा है मैं उतना ही करूं। सो इसलिए मैंने इस बार खुद से एक टॉक और साथ ही साथ एक 2 घंटे की वर्कशॉप भी प्रपोज करी कि यार मैं टॉक तो डेफिनेटली दे ही दूंगा, बट मैं एक एंड टू एंड वर्कशॉप लेने में भी इंटरेस्टेड हूं, अगर आप लोग वो अरेंज कर सकते हैं देन दैट वुड बी रियली ग्रेट। एंड ऑलरेडी पाइकॉन एमईए में वर्कशॉप्स का ट्रैक था, सो दे एडेड मी देयर एज वेल। तो इस बारी इस पर्टिकुलर इवेंट में मैंने ना सिर्फ एक टॉक दी बल्कि एक सेम डे पर ही 2 आवर्स की वर्कशॉप भी दी। दिस वॉज डेफिनेटली सुपर इंटरेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, पाइकॉन एमईए में ये जो पाइकॉन एमईए का इवेंट था ये एक्चुअली एक ब्रॉडर कॉन्फ्रेंस का पार्ट था। जिटेक्स करके एक कॉन्फ्रेंस होती है जो इस हर साल आई गेस दुबई में होती है, इस बार भी दुबई में थी, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, जैसे ग्लोबल डेव स्लैम होता है, कोडर्स एज की होता है, ऐसे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, और ग्लोबल डेव स्लैम का ही एक पार्ट था पाइकॉन एमईए। तो ये काफी बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, एंड इसको अटेंड करने के लिए मुझे जो भी मेरा ट्रैवल था इंक्लूडिंग वीजा फ्लाइट्स, जो भी मेरे स्टे था होटल का, एब्सोल्युटली एवरीथिंग एंड टू एंड वाज स्पॉन्सर्ड बाय द टीम ऑफ जिटेक्स एंड पाइकॉन एमईए। आई एम रियली थैंकफुल कि उन लोगों ने मुझे इनवाइट करा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, एंड दे आल्सो मैनेज्ड ऑल द एक्सपेंसेस ऑन देयर एंड। अब इसके बाद बात करते हैं दैट हाउ एक्चुअली द इवेंट वॉज। सो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे थी वो ये था कि इवेंट बहुत ही बड़े स्केल पे हो रहा था। भाई इस तरफ हमारी शायद कॉन्फ्रेंस का पार्ट है, तो एक्चुअली बहुत बड़ी जिटेक्स इवेंट है, उसमें बहुत सारी छोटी 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 कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और बहुत सारे स्टॉल्स हैं, कंट्री स्पेसिफिक स्टॉल्स हैं। आई एम नॉट, मतलब इतने बड़े स्केल पे हो रही होगी, मेरे को आइडिया तो नहीं था, बट चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। अभी तक मैं जितनी भी कंपनीज के नाम जानता हूँ, मतलब तुम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, जो बिग टेक है उसके बारे में बात कर लो, राइट, तुम एंटीवायरस की जितनी कंपनीज के बारे में जानते हो, तुम नेटवर्किंग की जितनी कंपनीज के बारे में जानते हो, तुम सप्लाई चेन इकोसिस्टम में जो जो कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ई कॉमर्स में जो जो कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्फ्रेंस में ऑलमोस्ट, मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ 90-95% जो भी कंपनीज तुमने सुनी होंगी छोटी बड़ी, सबके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हुए थे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, ये काइंड ऑफ लाइक एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तो हर कंट्री का एक अपना अलग सेक्शन भी बनाया हुआ था, उस कंट्री के कुछ स्पेसिफिक स्टार्टअप्स को वहां पे बुलाया हुआ था, और इस कंट्री वाले सेक्शन के अलावा भी कंपनीज के अपने अपने स्टॉल्स और बूथ थे जिसपे वो अपने न्यू प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे थे। काफी सारे और लाइक माइंडेड पीपल, इन्वेस्टर्स, जो भी लोग टेक में हैं, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, मतलब इतने ज़्यादा लोग थे तो तुम ये लगा सकते हो कि जो इवेंट था
उसके सामने जो रोड थी वो पूरी मतलब 3 से 4 दिन के लिए वहाँ पे रोज जाम लगता था। इट वॉज एब्सोल्युटली चोक्ड। मतलब मैं इससे पहले भी दुबई जा चुका हूँ बट मैंने कभी भी दुबई में जाम लगते नहीं देखा था। बट इस बार कॉन्फ्रेंस में इतने ज्यादा लोग थे एंड इट वॉज एट अ सच अ ह्यूज स्केल कि इट वॉज रियली टाइटली पैक्ड। बट उससे एक गुड पार्ट क्या हुआ कि मुझे काफी सारे नए लोगों से मिलने का मौका मिला, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से, कोई बायोकेमिकल, कोई ई कॉमर्स, राइट, कोई नेटवर्किंग की किसी कंपनी में काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मैं मिला, आई इंटरेक्टेड विद देम कि यार वो क्या काम कर रहे हैं, मैं क्या काम करता हूँ, एंड वाई दे आर हेयर, वॉट दे आर एक्चुअली शोकेसिंग। काफ़ी सारी चीज़ें करी, राइट। तो पहले दिन का ओवरऑल टाइम तो इसी में निकल गया। और इतना बड़ा इवेंट था ना कि एंट्री गेट से ग्लोबल डेव स्लैम जहाँ पे एक्चुअली पाइकॉन वाले इवेंट्स हो रहे थे वहाँ तक जाने में ही मुझे आधे घंटे लग जाते थे। बट मेरी टॉक सेकेंड डे थी और मैंने शेड्यूल कुछ इस तरीके से रखा था कि मेरी टॉक जो आधे घंटे की टॉक है वो और वर्कशॉप सेम डे पे ही हो। तो मेरी टॉक थी इंटीग्रेशन ऑफ GRPC विद पाइथन पे, जिसमें मैंने GRPC क्या होता है, क्या बेनिफिट्स हैं और उसको पाइथन सर्वर से कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसके ऊपर बात करी थी। तो गाइज आज हमारा टॉक वाला डे, दोनों टॉक आज ही हैं और कुछ कुछ तो मैंने प्रिपेयर कर लिया है। पहली वाली टॉक तो मैंने पहले दी हुई है तो मोस्टली प्रिपेयर्ड है, दूसरी वाली टॉक पहली बार है, डिज़ाइन पैटर्न्स पे वैसे तो पाइथन में। सो लेट्स सी, 12 बजे से टॉक है मेरी और अभी 11:15 हो गया तो मैं जा रहा हूँ अभी कॉन्फ्रेंस वेन्यू। लेट्स ट्राई टू रीच अर्ली। तो ये एक 30 मिनट की टॉक थी, आई बिलीव काफ़ी बड़ा और ग्रैंड सा स्टेज था तो मेरे लिए मतलब मेरी वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड टॉक टाइप थी, राइट। काफ़ी मज़ा आया मुझे, और भी लोग मुझे मिले, जो एक मेरा फ्रेंड है जिससे मैं लंदन में भी मिलके आया था वो भी एज अ स्पीकर इनवाइटेड था तो मैं उससे भी मिला एंड काफ़ी स्मूथ गई मेरी टॉक, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया, एवरीवन रियली अप्रिशिएटेड। मुझे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी मिले जिसका मैंने आंसर किया एंड पोस्ट द टॉक अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली मेट मी। और उसके बाद मैंने अपने वर्कशॉप को भी डिलीवर किया, 2 घंटे की वर्कशॉप थी और मैंने वर्कशॉप ली थी डिज़ाइन पैटर्न्स विद पाइथन पे। मैंने 4 से 5 रेलिवेंट डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ाए, एप्लीकेशंस पढ़ाई उनकी कि क्या एप्लीकेशंस है और एक्चुअली उनको कोड करवाना था क्योंकि 2 घंटे की वर्कशॉप थी, इट वॉज मोर लेस काइंड ऑफ लाइक अ हैंड्स ऑन कोडिंग काइंड ऑफ अ सेशन। सो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि सारा ट्रैवल और होटल सब कुछ स्पॉन्सर्ड था तो मेरे को खुद से काफ़ी ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, राइट। मैं एक दो जगह घूमने गया, मैं अबू धाबी गया था, वहाँ पे फरारी वर्ल्ड गया था, उसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, तुम चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि ये जो पूरा इवेंट था ये बूस्ट अप करने के लिए था कि दुबई में भी लोग आकर, UAE में लोग आकर अपने टेक्निकल ऑफिसेस और अपने स्टार्टअप्स वगैरह को सेटअप करें क्योंकि वो थोड़ा एज अ टेक हब इसको प्रमोट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये सेम कॉन्फ्रेंस बर्लिन में भी होने वाली है, आई गेस इस साल या शायद नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर में, तो अगर तुम वहां पे जा सकते हो तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे पता लगी कि बिट्स पिलानी के कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे जिनको लास्ट ईयर तो आई गेस फ्री में वहां पे इनवाइट किया गया था बट इस बार उनको थोड़ी बहुत कॉस्ट पे करनी थी बट वो भी सब्सिडाइज थी, कॉलेज से आई गेस कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह उनको मिली थी, तो वो लोग भी इंडिया से आए हुए थे, बिट्स पिलानी कॉलेज से आए हुए थे और उन्होंने मेरी वर्कशॉप भी अटेंड करी थी पूरी डिजाइन पैटर्न की एंड आई इंटरेक्टेड विद दो स्टूडेंट्स, काफी मजा आया मुझे उनसे मिलके। ओवरऑल आई बिलीव इट वॉज अ वेरी फन इवेंट। मेरे को ऐसा लगता है कि कॉन्फ्रेंसेज में जाके अपनी खुद की नॉलेज भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड होती है और सबसे ज्यादा नेटवर्किंग डेफिनेटली इंप्रूव होती है, तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो ऐसी कॉन्फ्रेंसेज में जाना आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू डू चेक इट आउट। बट अगर तुम स्टूडेंट्स हो और तुम्हें सिर्फ लर्निंग से मतलब है तो ये सारी कॉन्फ्रेंसेज के जो भी वीडियोज होती है और सेशन होती है वो उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती ही है, सो यू कैन चेक इट आउट देयर। सो दैट वॉज जस्ट लाइक अ शॉर्ट एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ आई एक्चुअली फेल्ट एट पाइकॉन MEA। काफी ज्यादा मजा आया एंड आई डेफिनेटली फील कि मैं और भी ज्यादा पाइकॉन और पाइथन कम्युनिटी एंड पाइथन फाउंडेशन के इवेंट्स को अटेंड कर पाऊँ, कम्युनिटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ एंड और भी ऐसे ही क्रेजी लोगों से मिल पाऊँ। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, इट वॉज फन, लाइट एंड अ सिंपल वीडियो, अगर तुम्हें बढ़िया लगी वीडियो सो प्लीज डू पुट अ लाइक ऑन द वीडियो एंड अगर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन हैं डू आस्क देम इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। दैट बींग सेड इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।